हेलो एंड वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ ट्यून विद मुस्तफ़ा। आज जो हमारे साथ मूवी के स्टार कास्ट मौजूद है, तेरी मेरी लव स्टोरी के स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है, और मैं लेफ्ट हमारे साथ बड़ी क्यूट बड़ी वेरी ब्यूटीफुल उष्णा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी भी फिल्म जो है डेब्यू फिल्म इन्होंने की है। साथ वेरी टफ लुकिंग गाए और मुझे बड़ी टफ लुक्स दिए हैं जब से आए हैं और जब से दे रहे हैं। उमर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ माय वेरी पर्सनल फेवरेट बहुत ही खूबसूरत एक्टर हैं, बड़े ही बेहतरीन परफॉर्मर हैं। अभी इनकी रिसेंटली एक फिल्म आई है, उसमें इनकी कॉमिक टाइमिंग को बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अब हमारे साथ अहमद अब्दुल रहमान मौजूद हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड वेलकम टू माई शो। क्या हाल है जी आप लोग? मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग अहमद की तारीफ नहीं करते क्योंकि अहमद बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से अहमद एकदम से ना लाल हो जाता है, उसको ख़ारिश होने लग जाती है, उसको समझ आती है क्या कह रहे हो, उसकी शक्ल देखती हूँ उसकी तारीफ में। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि आपका रोल क्या है, व्हाट इज़ योर रोल इन दिस मूवी? मेरा रोल है, मेरे किरदार का नाम है ईशा एंड वो बहुत स्वीट सी लड़की है जो थोड़ी सी बॉसी है। क्यूट सी स्वीट के अलावा ये है कि वो एक कभी कभी नहीं भी होती। अच्छा। वो एक ये शराब सा रह रहा क्या पूछ लगता असल में कंफ्यूज भी है। कंफ्यूज्ड, आई एम अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन। और ये कंफ्यूजन मुझे एज एन एक्टर बड़े मजे की लगी क्योंकि मेरे साथ बड़े हंकी दो हीरोज थे, मोहिब और उमर, और फिर उतने ही सेक्सी दो बेस्ट फ्रेंड्स थे मोहसिन एंड अहमद। So I was very lucky, all these hot boys with me. But she's confused, it's a love triangle mere Mohib aur Umar ke beech mein, mazeka triangle. Acha, since Umar aapka this is your first debut film, so what is your experience, kaisi shooting mein kya kya experiences the aur role ke bare mein bataye? Maine expect nahi kiya tha ki mera itna acha experience hoga, kyunki jab mujhe pata chala ki baki cast mein kaun se log hain, बिकॉज ऑब्वियसली उष्णा ने टेलीविजन में इतना काम किया है, मोहिब इज़ सीनियर, मोहसिन जो है वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, अहमद को मैं नहीं जानता था, देखा था मैंने इनको कमर्शियल्स वगैरह में। मोहसिन तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, इज़ वेरी ओपन और वो जहाँ उससे गप्पे लगा लो गप्पे लगा लेगा। ही इज़ लाइक दैट, वो मैंने देखा है काफ़ी, वैसे देखा था मतलब मैं पर्सनली मिला नहीं था, तो फिर देन आई हैड अ मीटिंग विद जवाद बशीर, तो उन्होंने पहले तो अपना कम्फर्ट लेवल मुझे दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार I am going to make my debut with one of the finest director. He's a very good director. और उसके बाद फिर जब मैं कास्ट से मिला तो उन्होंने कहा कास्ट से बेफिक्र हो जाओ, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, इज़ी गोइंग, और माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा रहा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। एक टाइम पे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में मुझे उष्णा से प्यार हो गया। अच्छा, नहीं नहीं, ये जो है ये हमने आपको गॉसिप दे दिया है और इसके बाद फेसबुक के ऊपर इसको नाम कर रहे हो, फेसबुक पे आप शेयर करें, सोशल मीडिया पे इतना कर सकते हैं। उमर को प्यार हो ही ना जाए एक टाइम पे, एक दो सेकंड के लिए। हाँ, तो फिर मैंने कहा ये मेरे कैरेक्टर में मुझे बहुत हेल्प आउट करेगा क्योंकि मैं हूँ ही इस तरह का कैरेक्टर, उसके आई एम सो मच इनटू हर एंड आई एम सो मच सीरियस। कमिंग टू यू सर, बताएं आपकी जो परफॉर्मेंस की हम सारे दीवाने हैं, आपने परफॉर्म बड़ी बार दिखाई भी है, तो ये बताएं कि इस मूवी में क्या आपका रोल है और किस तरह वो डिफरेंट है बाकी प्रीवियस प्रोजेक्ट से? इसमें भी थोड़ा सा सिमिलर है बाकी प्रोजेक्ट से, कहना नहीं चाहिए था मुझे लेकिन कह दिया मेरे। थोड़ा सा नर्डी कैरेक्टर है लेकिन इस बार मेरा और उसका जो मोहसिन है, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों समझते ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं। अच्छा, और आप ज़्यादातर जो है वो उज़्मा के पीछे घूम रहे हैं? मैं और मोहसिन जो है हमारा और उज़्मा का एक किस्म का ट्राइंगल है। अच्छा। हम दोनों समझते डिफरेंट जगहों पर जोड़ियों में कहानी है जोड़ियों में। हाँ, ये तीन मतलब तीन वाली को क्या तोड़ी कहेंगे, जोड़ी ट्यून कहेंगे। ट्यून वाली प्लग भी डाल दिया मूविंग ऑन। सिंस आपने इस मूवी को जो है आपने लिखने में भी जो है ना जवाब बशीर भाई की मदद की हुई है, तो ये इसके स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बताएं, स्टोरी क्या है, किस तरह रिवॉल्व करी है, किन लोगों के इर्द गिर्द? हमने जब ये स्टोरी बनाई तो हमने सोचा ये था कि हमने कोई इसके एंड पे ये नहीं कहना कि ये बहुत डिफरेंट मूवी है। अच्छा। नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये वही एक टिपिकल स्टोरी है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है जो जवाद बशीर की या अहमद अब्दुल रहमान की स्टोरी टेलिंग है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है बाकी लोगों से। उसकी एग्जीक्यूशन में फ़र्क होगा और बताने का अंदाज़े बयान जो है वो फ़र्क होगा? उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है क्योंकि जवाद बशीर ने बनाई है और स्क्रिप्ट डिफरेंट है क्योंकि वो अहमद ने लिखा है और जवाद ने मिलकर लिखा है, तो ये हमारी टेक है लव स्टोरीज़ पर और हमारी अपनी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो इसमें आप देखेंगे नज़र आएगा। अच्छा, कमिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक कि एक यूनिक चीज़ या यूनिक सेलिंग पॉइंट या कोई ऐसी चीज़ क्या है कि जो ऑडियंस लोगों को घरों से निकाल के सिनेमा लेकर आ जाएगी? जैसे अहमद ने कहा
कहा कि कोई बड़ा क्लेम नहीं है यहाँ, हमने कोई डार्क ब्यूटीफुल डीप इंडी फिल्म नहीं बनाई, हमने कोई टाइटैनिक नहीं बनाई, हमने कोई क्वीन नहीं बनाई, हमने एक क्लीशे मज़े की लव स्टोरी ली है एंड वी पुट इट टुगेदर विद जस्ट द मोस्ट फन वे ऑफ टेलिंग इट एंड आई थिंक दैट्स द यूनिकनेस बिकॉज इट्स नॉट अ यूरेका आइडिया, इट्स एन आइडिया दैट अ बंच ऑफ यंग हंग्री एक्टर्स wanted to just share with the world and do well. This movie is which we will zone out and take a new zone. Zone out and take a fun experience. You will be happy, inshallah. The bill and the problems of the day. That's the point. We will have our problems. And you just have a good time and the cast chemistry is great. This film is a very important thing that we have senior actors. Obviously, Salman Khan and Mohit. And they're amazing. So it's... हम सब बस ईगर थे कि हम एक स्टोरी किसी तरह बता दें। अच्छा, इसमें हमने देखा कि फाइटिंग सीन्स और फाइटिंग सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा हैं। उमर तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो फाइट करते हुए लग रहे हैं उसमें, तो लड़कियां भी जो है ना लड़की फाइट की है उस्मान ने कि आपने? वो मैंने की है। इसकी तो आपने फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली थी? नहीं, आई एम जस्ट वेरी गुड एट किकिंग बट आप लोगों को सिनेमा में बुला रही है कि भगा रही है? उस सीन को देखकर मैंने पूछा था कि मेरी तो फाइट नहीं है क्योंकि ये तो डंडा बड़े फ्लेक्सिबली चला रही है। अच्छा, आप तीनों का कोई अपना अपना कोई फेवरेट सीन कोई बताएं इस मूवी में से, कौन सा फेवरेट सीन है जो बहुत अच्छा लगा? फेवरेट सीन पहले आप। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मेरा फेवरेट सीन एक है जिसमें आप लोग सेल्फी ले रहे हैं आप मोहसिन, वो जो प्रोमो के अंदर एंड पर लाती है, एक जो आपका फाइटिंग सीक्वेंस है आपका मोहिब का और एक जो आपका सीक्वेंस है फाइटिंग सीक्वेंस में आप फाइट कर रही हैं, मेरे तीन जो है ना फेवरेट सीन्स तो ये हैं। आप लोगों ने अपने अलावा बताने हैं इसमें, आप लोग ना हो। मेरा फेवरेट सीन लेट मी थिंक, चलिए उष्णा पे आ जाते हैं, उष्णा से पूछ जाते हैं अहमद पे, फिर जो है ना। हाँ उष्णा, उष्णा बताओ तुम्हारा। आई थिंक सलमान शाहिद का हर सीन जस्ट, और उसके अलावा मैं अपनी लाइनें भूल जाती थी क्योंकि मैं इसको और मोहसिन को देख रही होती थी। एक सीन था जिसमें हम दोनों, हम तीनों गाड़ी से उतरते हैं और घर में आ रहे हैं, छोटा सा सीन था कुछ हाफ मिनट का। और वो जो हो ही नहीं रहा था तो इतनी रीटेक्स हुई कि हमने इम्प्रोवाइज कर करके वो सीन अच्छा खासा लंबा बन गया। वो रीटेक्स बार बार हो जाएगी गाड़ी की वजह से। अच्छा, वो उस पर मैं आऊँगा कि जो आपकी जो कुछ जोक्स या कोई ऐसे वाकयात जो आपने मूवी के दौरान में हुए हों वो हमारे व्यूज का शेयर कर सकें। आपका रह गया है फेवरेट सीन? सीन था जो कि जब तुम मिलवाती हो उनसे, लैला जुबैरी से। अच्छा। और उनको मैं इसी तरह कह रहा होता हूँ, बेसिकली वो सीन उन्हीं का था तो मैं तो सिर्फ बीच में कि मैं उनको जब बोलता हूँ कि आप इसकी बड़ी बहन लगती हैं, तो उस पर जो वो इतनी एक्साइटमेंट, बड़ी बहन तो वो इस तरह का करेक्टर है उनका, तो शी डिड सो वेल, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ अ गुड सीन। अच्छा, ये लड्डू लड्डू वाले पॉइंट पे हम रोकते हैं, मुझे ब्रेक का इशारा है, जब वापस आएंगे इस लड्डू से कहानी आगे शुरू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जाने से पहले लड्डू की बात कर रहे थे हम, लड्डू से सिलसिला में बात जोड़ते हैं, ये लड्डू तीन जगह पे ना आपस में, आप लोगों का तीन लोग हैं जिनका आपस में एक दो लड़के एक लड़की के पीछे हैं, लड्डू खाता कौन है एंड में? ये तो आप ये देखेंगे, आपको पता लगेगा। हम सब ने खाया, डांस कर करके खाया है ना ये आप वाले में मोहित को मिलता है कि आपको मिलता है और आप अगर ये बात बता दी तो फिर मतलब फायदा प्रमोशन। मैं कोशिश करूंगा कुछ थोड़ा थोड़ा सा जो ना आपको बता दूं। नहीं, आपको प्रीमियर पे आना पड़ेगा। अच्छा चलें जी, म्यूजिक की तरफ आते हैं, तो म्यूजिक आप में से जो है इसका म्यूजिक किसने किया हुआ, कुछ आप बता सकेंगे इस बारे में? म्यूजिक डायरेक्टर थे अफजल हुसैन और दूसरे नाम में लिखता हूँ उसके। अच्छा, भूल गया। तो म्यूज़िक बड़ा मज़ेदार है, ज़्यादातर नए सिंगर्स हैं। आपने उमर का गाना सुना? आपने भी सुना नहीं? चलो कुछ गुनगुनाते हैं, हमने सनम सही से अपने शो पे गुनगुना लिया जो गुनगुनाती ही नहीं है बिल्कुल। सनम प्लेबैक सिंगर थी को वो थी ना, पर उनको जो ऑन द स्पॉट जो है ना वो कहती है मुझे जो है ना एकदम क्लिक नहीं करता, सबको भूल जाएंगे। चलो गालू, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, आप तो पूरा हिडन टैलेंट है। थैंक यू। अच्छा, जो इसमें गाने की जब हम बात कर रहे थे तो ये गानों की पिक्चराइजेशन जो है वो कहाँ पर लोकली हुई हुई है कि इंटरनेशनल किसी लोकेशन से भी हम लोग गए हैं? ज़्यादातर फिल्म कहाँ पर शूट हुई है? गाने थोड़े से आउटडोर हैं, नारायण में है। अच्छा।
कटास राज टेम्पल्स में है, कुछ सेट्स में गाने हैं। ठीक है, गाने की सेट लगा के तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह आप दोनों का कोई डायलॉग जो है वो फेवरेट डायलॉग्स कौन कौन से डायलॉग हैं आपके अपने? तुम्हारा ये प्यार व्यार सब बुलशिट। ओए अच्छा डायलॉग है, नाइस। या इट्स अ गुड डायलॉग, इट इज अ गुड डायलॉग। या जहाँ पे हम वो कर रहे थे वो वाला सीन, तो उसमें बहुत शाउट था तो आवाज़ इको हो रही थी, गूंज रही थी, तो वो और ज़्यादा एक वापस आ रही थी कान में, इफेक्ट आ रहा था। भाईजान की बेस भी, भाईजान वो ये आपने, अरे वो वाला नहीं, वो क्या ये सुल्तान वाला भाई ये यस पहली दफा मैं देख रही हूँ वैसे। ये क्या ये आप छोटी मोटी लाइनें मेरे पे क्या? मुझे एक बात बताइए, ये प्रमोशंस करने के लिए आए हैं कि आपने मेन हीरो को भाईजान कह दिया? तो ये इनको समझ नहीं अभी, ये मुझे ये लोग लड़की नहीं समझते हमारे सेट पे। अच्छा मैं लड़की नहीं, उज्मा लड़की, मैं मुझे सब आपको ये लड़की नहीं समझते तो और लड़की किस तरह की होती है? मैं इनका मेरा जो ह्यूमर और मैं जिस तरह की इन लड़कों के साथ थी, आई वाज लाइक वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, सो आई वाज हमारा वो और सीन है। तो बिहाइंड द सीन्स जब आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, शूटिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या किस तरह के जोक्स प्रैंक करते थे? क्योंकि इतना जबरदस्त परफॉर्मर कॉमेडियन आपके साथ मौजूद है, तो ये होता क्या था? वो मेंटली बताएं अहमद, आई मस्ट से कि है a very good sense of humor, the best sense of humor, obviously that's why he is a very good writer. Jis tarah Mohib ka main pata hai ki wo bahut zyada jo hai na pranks pranks karte hain aur wo jo hai na baaton mein se baatein nikalne ke master hain, kyunki Sanam Aindi, Sanam ne hame bataya ki ye jo hai na mere se bada mazak shazak jo hai na wo karte hain. I didn't see that side. Acha nahi, Mohib ka to humne hamare set pe chup rehta tha. Isme batayenge aap logon mein se kaun tha jo practical jokes jo hai na pranks jo hai wo play karta tha, dusre ke scene mein aake tang karta tha? प्रैक्टिकल जोक्स तो अभी याद नहीं आ रहे, एक वाक्य मुझे याद आ गया है तफाकन, तो उसको शेयर कर लेते हैं। एक दफ़ा इस तरह का टाइम था कि जब लाइट हो रही थी तो गैप था हमारे पास बीच में, तो मोहित थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था, तो लड़कियां बोली जा रही थी। मेकअप वाली भी हमारी मदिया कैसे रहे वो, हाँ जी, तीन चार लड़कियाँ कमरे में थी और बोली जा रही थी। मोहित ने कहा यार खुदा का वास्ता चुप कर दो, तीन चार दफ़ा उसने कहा कोई चुप नहीं किया। मोहित खड़ा, उसने कहा अगर आप में से आप लोग 10 मिनट चुप हो जाएंगे तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। खवातीन कहती हैं सीरियस है आप? हाँ जी। तो जी काम टाइम शुरू हुआ है, तो कुछ 5-6 सेकंड हुए तो खुजली लड़कियों को होना शुरू हो गई है, बोल पड़ी बीच में और बोला क्या वो बैठी हुई थी लैला जुबैरी, तो मेरे ख्याल से कुछ 1-2-3 मिनट हुए होंगे, तो भाई ने फौरन कहा 10 मिनट नहीं हुए अभी तक, और कहा लैला जुबैरी ना आपा ने बोला कि वो 10 मिनट नहीं हुए अभी तक, आप 3 मिनट खामोश नहीं रह सके, मैंने 10 मिनट बोले। कुछ मेकिंग की वीडियोस भी आई थी कुछ सोशल मीडिया पे, हम लोग लूडो बहुत खेलते थे ड्यूरिंग, हाँ जी वो कुछ लूडो की थी और कुछ एक सेट था जिसमें बहुत ज़्यादा फूल वूल लगाए थे, तो कुछ वीडियोस थी जो वो मैंने देखी थी, कुछ वीडियो वो बड़ी हैपनिंग किस्म की वीडियोस थी। मुझे जो देख के लगा कि देयर वाज नो ईगो इश्यूज, कोई सीनियर जूनियर या कोई न्यू कमर या कोई बहुत पुरानी, सारे न्यू कमर्स थे, आई थिंक दैट्स द पॉइंट, दिस वाज द बेस्ट पार्ट। अच्छा इसमें जैसे ना जो मोहिब इज वेरी यंग बट इज वेरी सीनियर बिकॉज ही हैज डन लॉट ऑफ वर्क, यू मोहिब इज अ पर्सनल फ्रेंड, वो मेरे भाइयों की तरह है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा कि मुझे उनका मैसेज आ जाए। तो मोहिब और जो है सलमान साहब के जो थे वो आप लोगों के साथ किस तरह का उनका आप दोनों के साथ कैटेगोरिकली, क्योंकि आपने भी तो डाउनलोड किया। आई हैव नोन हिम सिंस बिफोर आई वाज बोर्न, ही इज अ फैमिली फ्रेंड। अच्छा, तो ही इज लाइक यू नो पार्ट ऑफ माय फैमिली, सो वो इट वाज वेरी कंफर्टेबल विद हिम, उनका ऑलमोस्ट हर सीन सेट पे एक अप्लॉज होता था, वो स्टोन कर देते थे आप, ही वुड जस्ट ही वाज सो गुड, एंड हम बस यूं थे कि ये कैसे करते हैं आप और ये क्या है भाई। सलमान साहब की ये खास बात थी कि उनका कैरेक्टर बड़ा मजेदार बनाया हुआ जो मैंने और जवाहर भाई ने परसीव किया था, लेकिन जब वो आए तो वो उसको वो उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे उसको, नेक्स्ट लेवल जस्ट उसको जान डाल दी उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस से, मतलब दैट्स हु ही इज, ही सलमान शाह है। तो इसका मतलब है कि पूरे सेट के ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी देने दो लोग थे, नहीं नहीं सब मोहसिन और हर एक की अपनी हॉटेस्ट एनर्जी, ये दिस गाय वाज सो मच फन टू वर्क विद, मतलब इसका मतलब जिसको चिकन खाते देखते ही इतना मजा आता था, कितना फीका बॉयल्ड, आपको पता है अगर आप बॉयल्ड चिकन खाएं और उस पर मसाला ना लगाओ तो आपकी एब्स बेहतर नजर आती है, क्योंकि वो मैं भी बड़े अरसे से फीके चिकन भी खा रहा हूं, आई नो आई कैन रिलेट टू हिम, पूछो कि वो कितनी मुश्किल है, वो इट्स नॉट जस्ट यार यू आर ईटिंग बॉइल्ड चिकन, यू नो यू हैव टू बैलेंस इट विद द वर्कआउट एंड विद द वर्कआउट विद द, हम ये लोगों को ये बताना जरूर चाह रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि शायद ये स्क्रीन के ऊपर इतना अच्छा लगना जो है ये शायद ऐसे ही पैदा इस तरह हुए हैं, बहुत मुश्किल है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और एक सीन के लिए कितना मेकअप और वो सब कुछ करके, तो ये हमें पता लगता ये है देखने में कि यार ये कौन सी मुश्किल है। Honestly speaking, I just want to share that just to see the body, you know, ripped on screen,
बिफोर द क्लाइमेक्स सीन इट वॉज ऑलमोस्ट 17 और 18 आवर्स पानी का एक कतरा नहीं पिया था मैंने दोस्त है और उसकी वजह से लोग आपको फॉलो करते हैं बट इनको ये मैसेज ज़रूर दें कि ये इसका मतलब ये नहीं कि दे शुड गो टू वर्ड्स मेडिसन और वो स्यूअर्स व्यूअर्स जो है ना इनको ये भी समझा दें कि ये उस तरफ ना जाएं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं इट्स बिन लाइक 8 साल आई बिन डूइंग लाइक बॉडी बिल्डिंग और फिर मैं अभी फिटनेस पर आया बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फिटनेस एक तो पहली बात लोगों को डिफरेंस नहीं पता हाँ जी। वो कहते हैं कि वो यही बॉडी बिल्डिंग है बस वेट उठा लो और 100 kg उठा लो एक हाथ यहाँ जा रहा है एक हाथ नीचे जा खत्म हो गया ऐसा नहीं होता वो इस चीज़ को इंजेक्शन रोज लगाते हैं हम उसी के बारे में एग्जैक्टली उसी के बारे में कह रहा हूँ कि ये अपने फॉलोअर्स को ये भी जरूर बताएं कि उस तरफ ना जाएं क्यों अगर उमर खुद लगाते थे रोज मेकअप से पहले इंजेक्शन नहीं नहीं ऐसी बोली तो वो इस चीज को है उमर बाकी मैं तो आपका मिंटो बना रहा हूं मैं ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है बट यू नीड टू यू नो वर्कआउट और फिर कार्डियो करें रनिंग करें हर चीज़ को बैलेंस करें इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहीं रुकता हूँ मुझे ब्रेक आ रहा है क्योंकि मैं और आप आगे 2 घंटे भी जो है ना मैं और जो है ये बात कर सकते हैं इस बारे में क्योंकि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है और इनका भी फेवरेट टॉपिक है वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक इसके बाद जब वापस आएंगे तो वी बी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग पीपल वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक अच्छा आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि सिंस आप लोगों का पहली डेब्यू फिल्म है बड़ी स्क्रीन पर सिल्वर स्क्रीन पर आप लोग जो है आने वाले हैं छोटी स्क्रीन पे आपने ड्रामास के लिए काम किया हुआ है तो ये किस तरह डिफरेंट है ड्रामा और फिल्म में बेसिक डिफरेंस क्या है पापा की कॉल आ रही है वर्किंग ऑन अ बिग स्क्रीन ऑब्वियसली वो एक अपना एक चार्म है और वो आपका फोन आ रहा है उसने गेट तो अपने फोन पे तो नजर रखती ही हो मेरे फोन पे भी रखती है नजर रखनी पड़ती है इनकी केमिस्ट्री हमें ऑन कैमरा भी नजर आ रही है हमारे शो के ऊपर भी कि किस तरह के आपस में प्रैंक्स जो है ना वो प्ले करते हैं बाकी फोन आ रहा है वो बार-बार उसने कह रही कि फोन आ रहा है आपका नहीं नहीं मत बताओ मैं कॉल बैक कर लूंगा तो एक अच्छी एक फीलिंग है एक बिकॉज़ आई एम कितना मुश्किल है मुश्किल तो बहुत है बिकॉज़ एक्टिंग इटसेल्फ इट्स अ डिफिकल्ट जॉब आई फाउंड इट डिफिकल्ट इवन इफ यू आर अ गुड परफॉर्मर पर एक्टिंग के लिए यू नो यू नीड टू बी इन द कैरेक्टर और उसको अंडरस्टैंड करना फिल्म के लिए भी फिल्म के लिए ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है और फिल्म ड्रामे के मुकाबले में फिल्म में आपको थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि वो मूवी लगे आपको फैंटेसाइज करना जरूरी लानी होती है जरूरी है जो लोग अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान फिल्म को देख के कि इसमें वो एक लव से बड़ा यूज़ करते हैं आई एम यूजिंग इट कि यार ये तो पोरी मार दी वो पोरी नहीं होती वो फिक्शन होती है वो लानी पड़ती ताकि वो मूवी की फीलिंग आपको आए फीलिंग आए अभी आई हैवंट सीन द फिल्म सो मैंने आज तक अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखा नहीं मेरी शक्ल दोस्तों की स्क्रीन पे आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक बट जो शूटिंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट इस तरह है कि देयर इज अ लॉट मोर प्रेशर बिकॉज ड्रामा आप जल्दी 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 सीन्स कर रहे होते हैं एंड इट्स सॉर्ट ऑफ द सेम मूड जो आप खींच रहे हैं फिल्म की लाइट में एक एक शॉट में बहुत टाइम लगता है तो जैसे कमर्शियल में आप डिलीवरी टाइम आपका कम है लेकिन उसके बारे में सोचने का टाइम ज़्यादा है आई थिंक बिकॉज वो बड़ी स्क्रीन पर कुछ आप झूठ नहीं बोल सकते तो इतने प्यार से इतनी तमीज से इतना समझा के आई थिंक इस फिल्म के बाद मैं एक बेहतर एक्टर बन चुकी हूँ बिकॉज ऑफ जवाद बशीर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आपकी हमने प्रीवियस फिल्म ही देखी है इश्क पॉजिटिव उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस इसमें उससे भी लाजवाब होगी आई एम श्योर लाजवाब होगी एक सवाल मेरा निकला इस पे कि आपने वो फिल्म देखी जो मेरी जिसकी बात करें इश्क पॉजिटिव नहीं क्यों नहीं देखने गई वो फिर क्योंकि मैं इसकी प्रमोशन क्योंकि आपने इनवाइट नहीं किया था आपने मुझे प्रीमियर की टिकट नहीं दी थी उन्होंने आपको टिकट चलिए अगला सवाल आपका होगा सर एक्सपीरियंस की बात क्या रहती है मुझे असल में सच्ची बात यह है कि मुझे एक्टिंग बहुत शौक है मुझे अपने आप को बड़ी स्क्रीन में देखने का बड़ा है कि मैंने पहली
स्क्रीन पे देखा आपने आपको जब पहली बार तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मैं कर सकता हूँ, मतलब ठीक था, एक्सेप्टेबल था कि ये बंदा कर रहा फिल्म तो लोग देख लेंगे मुझे लगता है। वो आप बड़े शानदार लगे हैं, बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मुझे नशा सा लग गया। इसलिए तुम शीशे में देख के अपने आप से बातें करते हो कि अच्छे लग रहे हो, लोग देखेंगे, डोंट वरी। वो आवाज़ें आ रही होती थी ना मेकअप रूम से, अहमद दीदी मुझसे कहती है कि आप किससे बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, अच्छा लग रहा है ये 200 फुट की स्क्रीन पर। एक एक डायलॉग जो ना आप अपना फेवरेट डिलीवर कर दें, ये आपका कैमरा है इसमें। सूट पैंट पहने देख कर कहीं मम्मी डैडी तो समझ नहीं बैठा था तू। थोड़ी सिचुएशन बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है कि हम उष्णा के दोस्त होते हैं, मैं और मोहसिन बड़े पुराने। ठीक है। तो ये आता है और उसको ले जाता है, तो हम दोनों पीछे रह जाते हैं, तो टूट गया। तो ऊपर से हम कह रहे हैं कि मुबारक दे रहे हैं कि यार चलो गुड लक, अंदर से हम दिल जले हुए। तो ये एक डायलॉग तो ट्रेलर में भी है कि पहाड़ों पे खज्जल हूँ हम और बच्ची मिल जाए तुम्हें। मेरा एक पॉइंट आता है जब मैं कहती हूँ कि नल, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम एंड आई से कि ऐसे लड़का मुझे चाहिए, अबाउट हिम, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रिम एंड प्रॉपर, नीट एंड क्लीन, एजुकेटेड, काइंड, गॉड इज सो हॉट। अच्छा जी, इन द लास्ट, व्हाट इज़ योर वन मैसेज जो लोग ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉमेडियन बनना चाहता हो, कोई आपकी तरह खूबसूरत एक्ट्रेस बनना चाहता हो, कोई आपकी तरह का सुपर मॉडल काम जो है ना आर्टिस्ट एक्टर बनना चाहता हो, वो क्या डायरेक्शंस हैं, क्या लाइन है, वो क्या गलतियाँ जो उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, मॉडलिंग एज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम, आप लाइफ टाइम मॉडलिंग नहीं कर सकते। ठीक है आप अपने आप को फिट रखते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो योर यू नो वन ऑफ द पैशन, लेकिन आपको मूव ऑन करना होता है। अब हमारी स्विच करना होता है तो स्विच में अब हमारी माशाल्लाह ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इज़ वर्क विद द राइट पीपल, और जैसे अब स्टाइल 360 है, तो आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक फ्रॉम मॉडल हंट। देर वर लाइक 250 मेल मॉडल्स एंड अराउंड 60-65 फीमेल मॉडल्स, उसमें से यू गॉट योर चांस। उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, दे फाइनली उन्होंने सेलेक्ट किया आठ लड़कों को, एंड आई वाज वन ऑफ देम। इफ यू हैव टैलेंट एंड इफ यू हैव दैट थिंग, तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, वो टैलेंट सामने आ ही जाएगा, इट विल टेक सम टाइम एंड इट्स योर वर्क। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत लकी थी इन द सेंस कि मेरी पूरी फैमिली शो बिजनेस में, सो जब मैं आई तो मुझे आई डिडंट हैव टू मीट अ लॉट ऑफ लोअर लेवल पीपल, आई हैड अ रोल ऑलरेडी, आप सबको जानती थी, मैं जानती थी सब फैमिली फ्रेंड्स से, मैं साइन करके आई एंड मुझे अपनी, मेरी फैमिली ने इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं दी, बस ये किया कि एक बाइज़द मुझे नेटवर्किंग एक चीज होती है ना, नेटवर्क बना दिया उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद जो मुझे काम मिला हैज बीन सोली ऑन माय टैलेंट। वो मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर सन ऑफ अमिताभ बच्चन, जरूरी नहीं कि आप अमिताभ बच्चन बन जाए, एब्सोल्युटली नॉट। आप लिफ्ट कर ले, आप देख ले, जब मैं लिफ्ट कर ले, बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप शाहरुख खान भी हैं और आप बिल्कुल स्ट्रीट से निकल के आए हैं तो यू कैन बी शाहरुख खान। लेकिन अभी हम शाहरुख साहब की बातें नहीं करेंगे, इट्स ओनली, इट्स ओनली अ मोटिवेशनल। आप जैसा खूबसूरत कॉमेडियन बंदा कैसे बन सकते, ये इन बॉर्न थी कॉमिक टाइमिंग? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, तपस्या करनी पड़ी, केटू पे जाके कई साल। केटू पे गए थे? हाँ जी। आप जम, आपने जम जाना सीखा अभी तक? केटू मेरे घर के करीब ही एक। अच्छा नहीं, ऑन सीरियस नोट, आप वाकई आपने कोई इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से इसको पढ़ा हुआ है? अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर बताएंगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, उसमें मैंने तो बिल्कुल 360 के एंगल पे। हाँ बिल्कुल, तो शिफ्ट है। अजीब सी बात है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब तक मैं जिंदगी में कभी कहीं एक्ट नहीं किया था, ना मुझे कभी शक हुआ था कि कभी ड्रामा टेबलो, ना हमारे घर में रवाज था कि हमें कहीं थिएटर ले गए या कहीं फिल्म दिखाने ले गए। अच्छा। कहीं नहीं, मैं जिंदगी में कहीं गया ही नहीं था। हाँ। तो वो तो इत्तफाकन कोई फेयरवेल पार्टी थी कि वेलकम पार्टी थी, तो लोगों ने दर्शकों तो ने कहा कि यार तू खड़ा होकर ना ये गार्ड बन जा, बोल दे। हाँ। तो उन्होंने मुझे गार्ड बनाया, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ, मैंने कहा क्या करूँ, तो गुब्बारा उड़ा, मैं गुब्बारे से खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अजीब सा गार्ड है जो तरह हमारा नक्स है। तो वो बाद में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार आपने बड़ा सा काम किया, मैंने कहा मैं तो पीछे बैठा गार्ड, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो वो चीज़ बड़ी रजिस्टर हुई। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जिसने आपने बात की आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इसके अंदर ये क्या, किसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंट है, अपने पेरेंट्स की वजह से, किसने इतना कॉन्फिडेंस? मेरे में तो है ही नहीं कॉन्फिडेंस, मैं तो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट आदमी असल में। लेकिन ये आज जो है ना, सारे आपका मजाक कह रहे हैं, ये बड़े हम्बल हुए हैं सारे,
नहीं तो ऐसी कोई बात जो है ना किसी किस्म की नहीं है। और सर इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? 3 से 4 गानों में डांस किया है। हाँ यार, काम जब कैमरा ऑन होता है तब तब मुझे पता है कि मैं कैरेक्टर के अंदर हूं, ये मेरी जॉब है। कॉन्फिडेंस को कहते हैं यही है, वो मेरे अंदर हिम्मत है कि जो करना है वो मैंने कर गुजरना है, अभी नहीं करना है। 7 करोड़ रुपए लगवा दिए, आप डरे नहीं? हम नहीं डरे, हमें था कि यार एक काम है, फिल्म लिखनी है, सीन लिखो, जाके शूट करना है, शूट करो, ये करो। जी 7 करोड़ का बजट हमें पता है। मेरी इतनी गहरी बात के दरमियान में बजट लेके सुना आपने आपसे, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हम गहरी बातें ना करें। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, हम आपको वी वुड लाइक टू थैंक यू, ये उष्णा दिस इज फॉर योर वॉर्क, और एक ये जो है एक गुडी बैग हमारी तरफ से है कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट जो है हमारी जो पाकिस्तानियों की ऑडियंस के लिए जो है ना दे रहे हैं। tune.pk जो है वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सर, ये जो है अपनी रिलीजिंग डेट बता दें, 2nd of September आई एम गोइंग टू बी देयर, और जितने हमारे देखने वाले हैं जो हमें फॉलो करते हैं जो 2nd September अपने पास मार्क कर लें, ज़रूर सिनेमास में जाइएगा, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है और हम चाहते हैं, मेरी दुआ है कि एक दिन हम खड़े होकर पाकिस्तानी फिल्म के बारे में ये बात कर सकें कि दिस इज़ पाकिस्तानी फिल्म, और हम इसको ओन कर सकें।